ओके तो यहाँ है, यहाँ है, पीछे झील है, झील है और ये हमारी स्टेशन हो रही है। सुप्रभात। और इतनी हसीन खूबसूरत सुबह और आप मैं होम्योपैथी और ये सुंदर नजारा, कितना मजा है कि ऐसे हम साथ में हैं, मजे चल रहे हैं और उसके साथ में अगर होम्योपैथी डिस्कस हो। सुबह की धूप खा रहे हैं, अभी अभी पोहा खा करके आए हैं और यहाँ की जो कूलनेस है, झील की जो कूलनेस है, दैट इज अमेजिंग। करेक्ट। तो वो एनर्जी आपके साथ में शेयर करना चाहते थे। तो आज हम ऐसे करेंगे कि एक रेमेडी जो पब्लिक डिमांड बहुत है। हाँ, बहुत दिनों से पीछे पड़े, बहुत दिनों से जनता पीछे पड़ी है, तो हम लोग डिलीजन परसूड में गए, परसूड में चले जाए। लोग पीछा नहीं छोड़ रहे कि सर स्टेफिसेग्रिया चाहिए, सर स्टेफिसेग्रिया बताओ, सर स्टेफिसेग्रिया बताओ। तो चलो आज हम स्टेफिसेग्रिया की बात करते हैं। राइट, अभी तो स्टेफिसेग्रिया, जब तक हमें पता था, जितना हम जानते थे, स्टेफिसेग्रिया इसलिए जानते थे कि भैया सप्रेस्ड एंगर, वो सही चीज है, गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ सप्रेस्ड एंगर से अगर स्टेफिसेग्रिया पहुंचो तो मुश्किल है। आप अगर उस पर्सनालिटी को, उस व्यक्तिमत्व को सही से समझे, उस व्यक्तित्व को, व्यक्तित्व, हाँ बराबर है, व्यक्तित्व को अगर सही से समझे कि इसका एंगर क्यों, कहां, कैसे सप्रेस होता है, तो आप स्टेफिसेग्रिया सही से पकड़ सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार स्टेफिसेग्रिया गुस्से में ही आपके सामने प्रेजेंट हो, हो सकता है एम्बरसमेंट के साथ आ जाए। बिल्कुल। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको गुस्सा उसके चेहरे पर दिखे ही ना, क्योंकि गुस्सा छिपाने में नंबर एक एक्सपर्ट रेमेडी है वो, ठीक है ना। तो जहां तक मुझे याद है, अपने टाइम में स्टेफिसेग्रिया अक्सर हम लोग, जो हम लोग के प्रोफेसर या लेक्चरर पढ़ाते थे और हम लोग पढ़ते भी थे एलेंस की नोट्स में, न्यूली मैरिड लेडीज या गर्ल्स के लिए स्टेफिसेग्रिया प्रेस्क्राइब करी जाती थी, या हम लोग जानते थे हनीमून डिस्यूरिया ऐसे कुछ। यस, तो वो क्यों होता था, वो धीरे धीरे करके एचएचएफ में समझ में आया। तो वो चीज हम आपके साथ में शेयर करेंगे कि कितनी डीपर अंडरस्टैंडिंग लेकर के हम लोग दवाइयों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, कि ये जो न्यूली मैरिड जो गर्ल है उसको डिसूरिया या यूटीआई क्यों हुआ, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्यों। बिल्कुल। न्यूली मैरिड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एब्सोल्युटली, मतलब अगर होम्योपैथी आप सोच रहे हो कि जो ब्लैडर पे काम करती है या तो फिर यूरिन पे काम करती है, ऐसे नहीं है। उस व्यक्तिमत्व को जो एक लड़की थी, कल को जाके बीवी बन गई, तो उसकी लाइफ में क्या चेंज हुआ और उस चेंज से कैसे स्टेफिसेग्रिया का इंडिकेशन आया, ये जानना जरूरी। इस लेवल पे होम्योपैथी चलती है, उस लाइफ की, उस व्यक्तिमत्व की जिंदगी में क्या चेंजेस है, उस हिसाब से कैसे रेमेडी बनती है, इस लेवल पे होम्योपैथी चलती है। और इसका ठीक एक उल्टा एग्जांपल आपको देता हूं, क्योंकि ये स्टेफिसेग्रिया की थोड़ी सी समझ जैसी हुई है। ये जो न्यूली मैरिड गर्ल है, ऐसा जरूरी नहीं कि न्यूली मैरिड गर्ल को ही डिसूरिया हो, समझो, कोई के बाद में, समझो वालों, कोई, हाँ। शादी के बाद में सास को भी हो सकता है, क्यों हो सकता है वो अभी हम आप लोग को बताएंगे। बिल्कुल। क्योंकि जो दवाई की जो समझ है वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड वे में ही समझना जरूरी नहीं है, हमें उस परिस्थिति को समझना जरूरी है जो कि प्रोड्यूस होती है जब कोई नया मेंबर घर में आता है। सही, ठीक है ना। जैसे न्यूली मैरिड गर्ल है ना, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सपोज आपके पास 10 केसेस आते हैं ऐसे जो अभी अभी शादी हुई है और उसको डिस्यूरिया है या फिर प्राइवेट पार्ट्स में इचिंग है या इन्फेक्शन है। तो समझो एक लड़की ऐसी है
कि जो बहुत ज्यादा गुस्से वाली है, बहुत ज्यादा और सीधा किसी को भी उल्टा पुल्टा बोल देती है, गाली गलौज कर देती है, खुद के काम नहीं कर रही है, घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं पार कर रही है अपने, तो अगर ऐसी लड़की है तो क्या उसको स्टाफी सगरे देंगे? नहीं। तो कुछ तो होगा ना, या फिर कोई दूसरी एक लड़की है जो कि बहुत ही ज्यादा रोए जा रही है और बहुत ग्रीडी है, समझ लो, या ऐसे अलग अलग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वहां पर भी स्टाफी सगरे नहीं है। मतलब प्रॉब्लम सबको एक ही है, लेकिन उसको स्टाफी सगरे नहीं दे सकते ना, उसको काम भी नहीं करेगी, तो स्टाफी सगरे कहां पे काम करेगी? ये हम है, ये ब्यूटीफुल झील है और ये हमारी स्टेफी सगरिया हो रही है। बिल्कुल स्टेफी सगरिया हो रही है, बिल्कुल ठीक है। तो आई होप यू डोंट माइंड, थोड़ा सा धूप ज्यादा हो गई तो मैं ब्लैक स्पेक्स लगा रहा हूँ। चलो चल, तो ऐसा है कि स्टेफी सगरिया ये बंदा है ना, उसको मैं मतलब डिग्निटी ये बहुत प्यारी है। जैसे नेट्रमूर को हमने समझा था डिग्निटी बहुत प्यारी है, वैसे ही स्टेफी सगरिया को भी डिग्निफाइड में देखे तो डिग्निटी बहुत प्यारी है। इसीलिए इंडिग्नेशन से मारामारी होती है, इसीलिए जब भी जहां पर इंडिग्नेशन हो जाए इसको दिक्कत हो जाती है। अभी आप अगर मटेरियल मेडिका पढ़ेंगे स्टेफी सगरिया का, फाटक साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से लिखा है कि इमेजिन इंसल्ट्स। यस, कोई जानबूझ के कोई उसका इंसल्ट नहीं कर रहा कि भाई शादी में गए थे, उसने पूछा तक नहीं, आई मेरे सामने से ये वगैरह, उसको बुलाया चले गए, मेरे को बुलाया नहीं। अरे यार, शादी का अरेंजमेंट है यार, 50 चीजों में उसका दिमाग बिजी है, आप अगर इग्नोर हो गए तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, लेकिन शी इमेजिन दैट शी दे इंसल्टेड मी। ये इमेजिन इंसल्ट्स, इंसल्ट्स को इमेजिन कर लेती है कि ये अभी एक बुरा मान जाती है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है कि वो बुरा मान जाती है? क्योंकि ये तो एक रिजल्ट है, उसके पीछे की कहानी क्या है? उसके पीछे की कहानी कुछ ऐसी होती है कि जब तक आप अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझते हो, जब तक आप अपनी औकात को या अपने रुतबे को इमेजिन नहीं करते हो, तब तक ये छोटी छोटी चीजें आपको फर्क पड़ता है। हम लोगों ने अभी देखा, तो ये व्यक्तित्व स्टेफी सगरिया का अपने आप को बहुत महान व्यक्तित्व समझता है, अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। इट इज एक्चुअली, इफ यू सी, इट इज वेरी क्लोज टू प्लैटिना, लेकिन प्लैटिना आपको डाउनग्रेड करेगा, स्टेफी सगरिया नहीं करेगा, क्योंकि वो डिग्निटी में रहता है। तो उस चीज को समझने की कोशिश करिए, स्टेफी सगरिया की शुरुआत ही यहीं से होती है कि वो अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है, और उस ऊंचाई में थोड़ा सा भी इधर उधर किसी ने किया जिसमें से उसने इमेजिन कर लिया कि उसकी इंसल्ट हुई है, या किसी ने इंसल्ट करी भी, तो इसमें पैथोलॉजी की शुरुआत वहां पे होती है, क्योंकि इसके जो रिफ्लेक्सेस हैं या इसका जो रेस्पॉन्स है, हाइपर रेस्पॉन्सिव है फॉर द इंसल्ट्स एंड इनडिग्निफाइड बिहेवियर ऑफ अदर्स टू हर, तो वहां से स्टेफी सगरिया की बीमारी चालू होती है। ये जो जैसे आलोक ने भी बोला ना कि स्टेफी सगरिया अपने आप को ऊंचा समझता है, लेकिन इसको ना प्लैटाना की ऊंचाई के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब जो ग्रेट अपने आप को प्लैटिना कैसे समझता है, प्लैटिना ग्रेट कैसे समझता है, वो ऐसे समझता है कि उसके पास ज्यादा रिसोर्सेस है और उसके बहुत ज्यादा उसके जैसा कोई है नहीं, मतलब वो ऐसी पोजीशन पे जहां पे दूसरा कोई आ नहीं सकता, बाकी सब लोग बहुत ही ऑर्डिनरी है, मतलब बाकी लोग चिंदी है, बाकी लोगों के पास कुछ इतने रिसोर्सेस नहीं है। मतलब क्या रिसोर्सेस? मतलब नॉलेज, पैसा, रिचनेस और वो जो रुतबा होता है ना, उसके साथ प्लैटिना चलता है। स्टाफिस में क्या होता है, स्टाफिस खुद को बड़ा समझता, मतलब कैसे? स्टाफिस की ना एक तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इनजस्टिस उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, कॉन्शियंस बहुत ज्यादा पकड़ के चलता है, एंग्जायटी कॉन्शियंस मॉरल सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा, और एक डिग्निटी, ये तीन चार चीजें जो है ना उसमें भरी पड़ी होती है, और वो समझता है कि ये सारी चीजें उसमें सबसे ज्यादा है, तो वो ज्यादा उस चीजों का ध्यान देने वाला है, वो बहुत अच्छे से बात करेगा, जब तक पॉसिबल है ना किसी का इंसल्ट नहीं करेगा, जैसे प्लैटिना दूसरों को नीचा गिराता है ना, ये बिल्कुल नहीं करेगा बहुत, क्योंकि इसको जस्टिस, इसको सबके साथ, अगर उसके उसके साथ हो रहा है या किसी और के साथ हो रहा है, उसको बर्दाश्त नहीं होता, तो ये भी ऐसे उसका भी रवैया ऐसे होता है, तो इस
एंगल से वो अपने आप को ऊंचा समझता है और इस एंगल से नटर मयूर के पास है क्योंकि नटर मयूर आपको बेइज्जती नहीं करना चाहेगा क्योंकि उसको ये लगता है कि ये भी मेरी बेइज्जती ना करे। कीचड़ में पत्थर मारोगे तो कीचड़ खुद पे उड़ेगा। तो फर्स्ट एवर्जन टू नहीं करने का, वहां पे चिक चिक नहीं करने का, चुपचाप रिसीड करो अपने आप। तो ये कन्फ्यूजन इसके पास में आता है नटर मयूर। सही है, ये कन्फ्यूजन ना हो जाए इसलिए ना आप पहले ना इग्निशा की और नटर मयूर की ना वीडियो हमने डाली हुई है। बिल्कुल, तो आप पूरी कोशिश करिए पूरी तरह देखो समझाने की, क्योंकि इग्निशा भी इंडिग्नेशन में है, ठीक है, और मतलब उसमें भी बहुत गुस्सा आता है, मतलब जो राइटियस एंगर बोलते हैं ना वो इग्निशा में भी बहुत है। नटर मयूर तो डिग्निफाइड है ही, तो अभी ये भी रेमेडी हम ले रहे जो और जो भी बहुत ज्यादा डिग्निफाइड होती है, तो आप वो पहले दो वीडियो देखो तो आपको वो डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि कौन कहाँ पे किस तरीके से बीमार पड़ता है। करेक्ट। अभी स्टेफी सगरिया की इम्पोर्टेंट नीड जो है ना कि वो अपने आप को ऊंचा समझता है और वो चाहता है कि जो मुझे देख रहा है वो भी मुझे ऐसे देखे कि अरे, मतलब बाकी तो आप समझते हैं कि भैया पोजीशन चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए, अच्छी पोस्ट चाहिए, पैसे चाहिए, ये तो है। अभी मेरे पास एक लड़का था अराउंड 12th स्टैंडर्ड कर रहा था, तभी मैं बोला अच्छा, उसको कोई प्रॉब्लम थी आई सपोज जेनिटल्स में इचिंग वगैरह ऐसा कुछ तो था। मैं बोला पंजाबी, तो मैं बोला हाँ बेटा क्या क्या, क्या क्या चल रहा है। बोला 12th स्टैंडर्ड। बोला अरे वाह, कितना परसेंट लाना है। बोला 80 से ऊपर लाना है, आई थिंक 2-4 साल पहले की बात है, 80 से ऊपर लाना है। बोला 80 से ऊपर लाके कर लो क्या सर? इंजीनियरिंग। बोला अच्छा इंजीनियरिंग, कौन सा इंजीनियरिंग? ऑटोमोबाइल। बोला अरे वाह ऑटोमोबाइल। बोला क्यों ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग क्यों? तो बोले सर वो जो बाइक होती है ना। बोला हाँ बाइक, वो मॉडिफाइड वाली, मॉडिफाइड वाली बाइक है ना, वैसी बाइक मेरे को बहुत पसंद है सर। बोले उसमें क्या पसंद है? मॉडिफाइड वाली बाइक में क्या पसंद है? मतलब आपने आपके मोहल्ले में भी देखे होंगे ऐसे लोग भरे पड़े हैं सब जगह। मॉडिफाइड वाली बाइक क्या होती है देखा है कभी? उसको साइलेंसर पता नहीं क्या कर देते हैं, उसको ब्रर करके चलते हैं, ब्रर करके चलते, पूरा जो मोहल्ला है पूरा देखता कौन गया है। हाँ सब लड़कियां देखती मुड़के, ओ कोई तो हीरो गया है। तो ये जो है ना कि लोग मेरी तरफ देखते टाइम ऐसे देखे कि हाँ। तो दवाइयों को इस तरीके से थोड़ा समझने की कोशिश करें, हमारे राव सर ऐसे ही समझाते थे। कई बार आप लोगों ने देखा होगा जब राव सर ने मुझको बताया तो सारी चीजें मैंने नोटिस करना चालू की। आपने भी देखा होगा ऑटो रिक्शा में कितना बड़ा डिफरेंस होता है। एक ऑटो रिक्शा सिंपल सा है, ऐसा है चल रहा है, चल रहा है। दूसरा ऑटो रिक्शा देखो, उसमें जगमग लगा होता है अंदर से, अंदर ब्लू लाइट जल रही होती है ना, डीजे चल रहा था, डीजे डिक चल रहा होता है, और ऊपर से पीछे की तरफ कुछ बढ़िया सा लिखा होता है, पेंटिंग डेंटिंग रहता है पीछे की तरफ, या तो क्या कहते हैं, अरे BMW का ये लगा देते हैं, लोगो लगा देते हैं BMW का ऑटो पे, अरे आ जा बेटा BMW का लोगो भी लगा देते हैं, ये बोला अरे ऑटो तो है BMW करा दिया तुमने। तो ऐसे ऑटो भी आपने देखे, तो ये क्या है? तो ये जो है जैसे है ऑटो रिक्शा, लेकिन ख्वाहिश कहाँ की है? BMW की है, वो ऑडी का चूड़िया चूड़िया होती है ना, वो राइट, वो चूड़िया लगा दे पीछे कि भैया अपनी जाते हो कोई देखे तो बोले अरे क्या बात है। मतलब मयूर के पास एक केस था, वो लड़का दिखने में दुबला पतला, बोले प्रॉब्लम क्या है? बोले सर बॉडी बनाना है। बोले क्यों? आपके पास भी ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जो बॉडी बनाना है करके आते हैं। क्यों बॉडी बनाना है? बोले सर क्या है ना, ऐसा बॉडी रहेगा ना तो सामने वाले पे छाप नहीं पड़ती, सामने वाला बेदखल कर देता है, तो चल निकल। थोड़ा सा बॉडी रहे ना, मतलब मेरे को सर ऐसे मस्त ये चाहिए, ऐसे रास्ते पे से चलूं तो लोग देख के बोले कि अरे यार क्या बॉडी है। ये है एम्बिशन इंक्रीज्ड, एम्बिशन इंक्रीज्ड, फेम फॉल। ये फेम होता है ना, फेम वो होता है जहां पर आपको लोग देखते हैं कि अरे यार उसका बाइक देखा क्या बाइक है, उसकी बॉडी देखिए क्या बॉडी है, ये फेम होता है। और अक्सर ऐसा होता है इस फेम के पीछे एक नेगेटिव सी फीलिंग होती है, और वो नेगेटिव सी फीलिंग ये होती है कि अपने आप को डिग्निफाइड और अपने आप को उच्च समझने वाला बंदा
जब उसको एनवायरनमेंट से कोचा जाता है, है ना, तो जब कोचा जाता है तो उसके अंदर ये आता है कि फिर आप किस तरीके से अडेप्ट करोगे, किस तरीके से इसको डिफेंड करोगे। स्टेफी वगैरह सोचता है कि मैं ऐसा बड़ा आदमी बनूंगा या कुछ ऐसा बड़ा काम करूंगा जिससे ये लोग मेरे सामने चुप रहेंगे, चू तक ना करे कोई, मेरी इंसल्ट तो दूर। स्टेफी सगेरिया एक्चुअली एक ऐसा बंदा है कि जो कि बहुत ऊंचे मुकाम पे जाना चाहता है, और कई बार ऐसा होता है कि वो इस चीज को प्रूव करने के लिए ऐसे मुकाम पे जाना चाहता है कि यार इन लोगों ने मेरा इंसल्ट किया है। और एक तरीके की कॉवर्डिस भी स्टेफी सगेरिया में होती है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, कि जिसने उसको डांटा है, नटरमूड जैसा ही रिएक्शन होता है, एक नशिया जैसा, कि अगर उसको किसी ने इंसल्ट किया तो सामने कुछ नहीं बोलेगा एक हद तक है, आफ्टर एन एक्सट्रीम, स्टेफी सगेरिया का गुस्सा भी बताएंगे अभी, लेकिन एक हद तक वो गुस्से को पीता है, इंडिग्नेशन को कबूल करता है, अंदर पीता है, और फिर वो गुस्से का इजहार जाकर के दूसरी जगह करता है, लेकिन मन में सोचता है कि कुछ मैं ऐसा करूं बड़ा कि आगे चल के कुछ बोल ना पाए। तो अपनी ओपिनियन, अपना मत कभी वो एक्सप्रेस नहीं करता। आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, मेरे पास में फाइल्स का केस था, तो ही वॉज वर्किंग इन अ वेरी रेप्यूटेड कंपनी, तो मैंने पूछा कि क्या गड़बड़ चल रहा है काम की जगह पे, घर पे, दीज आर द एरियाज वेयर यू हैव टू एक्सप्लोर। तो सर बोला काम में थोड़ा सा स्ट्रेस है, तो और बड़ा माइल्ड सर, थोड़ा काम में स्ट्रेस है सर, है सर। प्लैटिना तो ऐसे बोल ही नहीं सकता, प्लैटिना ऐसे बोल ही नहीं सकता, तो बॉडी जेस्चर से ही आप, तो प्लैटिना बोले हाँ है तो यहीं से प्लैटिना स्टेप से गेरा डिफरेंशिएट हो रहा है। तुम्हारे बस की बात नहीं है, हमारा टेंशन है उस एरिया में नहीं दखलंदाजी करो, ठीक है। तो हाँ सर है ना, तो क्या हुआ बताइए सर। प्रॉब्लम बड़ा तो नहीं है लेकिन फिर भी बहुत दिक्कत देता है। मैंने कहा क्या हुआ? सर हमारा जो बॉस है वो सर मुझको ऐसा काम देता है ना जो मेरे जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो वाला काम मुझको देता है। मेरा प्रोफाइल क्या है सर? सर मेरा प्रोफाइल तो सर वैसा नहीं है ना, तो मैंने कहा कि अगर वो ऐसा देते हैं तो आपको मना कर देना चाहिए ना, दुखती हुई नब्ज पे आप हाथ रखो तुरंत इमीडिएटली, तो मना कर दो ना। नहीं सर वो थोड़ा सा सर वो प्रमोशन जो है ना करना पड़ता है सर, सर थोड़ा ये दिक्कत हो जाएगा ना अगर बॉस को हम बोलेंगे। सर बॉस तो सर हायर पोजीशन पे है ना, एक सेंस ऑफ मोरालिटी भी इसमें था कि यार जो सीनियर है, सीनियर अपना जो है उससे तुम कैसे उसको अपोज कर सकते हो या कैसे उसको मतलब एक कर्कश आवाज में बात कर सकते हो। तो सर लेकिन तो मैंने कहा कि जब वो ऐसा करते हैं तो आप कर देते हो? हाँ सर कर तो देते हैं लेकिन मन नहीं मानता कि ये तो मेरे सबऑर्डिनेट का काम है ना सर, मतलब गुस्सा आता है सर, गुस्सा सर तो बहुत आता है। इस गुस्से की वजह से कभी कभी ऐसा भी हो जाता नींद, सर जब से ये चल रहा है मेरी नींद बहुत डिस्टर्ब है सर, मैं दिन भर डिस्टर्ब, मेरे मन में वही चला करता है कि मुझको ऐसा क्यों बिहेव करता है। तो देखिए ना कहाँ पोजीशन, वो अपनी इमेजिन यहाँ पे कर रहा है और उसको उसका बॉस कहाँ पे लाके रख रहा है, नीचे। तो अभी इसके दिमाग में चल रहा है कि कैसे भी करके प्रमोशन हो जाए तो बॉस मेरा मुझसे उस तरीके से ना बोल पाए, उसके दिमाग में ये चल रहा है लगातार, और वो गुस्सा पाइल्स के फॉर्म में इस जगह पे निकला। तो ये स्टाफिस को ना पैसों से लेना देना नहीं होता है, नाम से होता है, शोहरत से होता है, ओहदे से होता है, फेमस होना चाहता है, ठीक है। तो वो फेम है ना उसके पीछे एक बहुत बार अपने नुकसान भी करने के लिए रेडी होता है, बिल्कुल। और ये बंदा ऐसा भी नहीं होता है जैसे कि आलोक ने अभी बताया ना कि समझो उसको कभी गुस्सा आया तो नक्सोमिका, मक्सोल, आर्सेनिक, ये लोग है ना तुरंत गुस्सा कर सकते हैं, तुरंत लगा के दे सकते हैं ना, बिल्कुल, तुरंत कुछ तो गाली दे सकते हैं, मतलब ज्यादा सोचेंगे नहीं, तुरंत रिएक्ट करेंगे। लेकिन ये बंदा ना तुरंत कभी रिएक्ट नहीं कर सकता, इतना कॉन्शियस भरा पड़ा होता है ना, वो पहले हमेशा देखता है कि ये चीज मॉरली सही है कि नहीं, जस्टिफाइड है कि नहीं, मेरा भी चिल्लाना सही है कि नहीं। इसलिए बहुत टाइम तक उसको लगता कि नहीं है मेरा चिल्लाना सही नहीं है, रुकना चाहिए, उसको और मौका देना चाहिए, और मौका देना चाहिए। तो ये मौका देने का टाइम जब होता है ना तब वो अपना गुस्सा इंटरनलाइज करते रहता है, और फिर एक लेवल जब क्रॉस होती है ना, जब उसको लगता है कि नहीं अभी काफी बार इसको माफ किया है, अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, काफी ज्यादा माफ किया है, और उसके गुस्से की पराकाष्ठा भी खो जाती है, मतलब जो जो डैम होता है ना, डैम में पानी भर रहा है, बरसात हो रही है, एकदम से बाफ। तो
उस वक्त ये फिर गुस्सा कंट्रोल, वो जो पहले से जो रोका हुआ गुस्सा होता है ना, तो इस तरीके से रोका हुआ होता है और फिर वो एक तरीके से बोलते ना, एक प्रेशर कुकर के अंदर का प्रेशर टूट जाता है, फूटेगा वो कुकर और फिर वो ब्लास्ट हो जाता है, फिर वो देखता नहीं है। उसके बाद जब वो गुस्सा आता है ना, उस वक्त भी उसका कैसे होता है ना, वो इंसान पे गुस्सा नहीं निकलता, मतलब को कभी किसी को स्लैप नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है, किसी को गाली नहीं देगा, ये मोबाइल तोड़ेगा। सर तो मेरे को ऐसा कैसे? हाँ, हाँ, तो एक मेरा एक फ्रेंड था, तो मैं उसको तो अच्छी तरह जानता था, लेकिन कभी उसको मेडिसिन नहीं दिया था, लेकिन काफी टाइम के बाद है ना वो बीमार पड़ा और उसने मुझे कॉल किया, तो मैंने उसको एक रेमेडी दी और फिर शायद और भी एक दो रेमेडी दी उसको जो काम नहीं किया। फिर उसने तीसरी बार कॉल किया कि अरे वो ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं लग रहा है ऐसे। तो जब उसने थर्ड टाइम कॉल किया ना, तो उसने ना अलग नंबर से कॉल किया। ओके। तो मैंने बोला ये किसका नंबर है? यार ये नंबर क्या हुआ, कॉल कर रहा है? तो मैंने बोला, तो बोलता है कि नहीं मैंने ना वो नंबर चेंज किया है और मोबाइल फोन भी चेंज कर लिया। मैंने बोला क्या हुआ? बोलता है नहीं वो तुझे तो पता है ना वो तोड़ दिया मैंने। मैंने बोला अरे तोड़ दिया? खुद का मोबाइल तोड़ दिया? मोबाइल क्यों तोड़ दिया? तो बोला अरे वो ऐसा ऐसा बोला मुझे घर में ना, मम्मी ने ऐसा ऐसा बोला तो गुस्सा आ गया तो मैंने फेंक दिया, तो मोबाइल भी टूट गया। फिर वो सब कुछ मैंने फिर ना बहुत दिन तक यूज नहीं किया था, फिर अभी मैंने सब कुछ नया ही ले लिया, और जो मोबाइल के साथ सिम कार्ड आता है वो नया ले लिया ऐसा। तो तब मुझे क्लिक हो गया और सारी पीछे की कहानी याद आई कि इसने कैसे तोड़े थे। तो मुझे याद आया कि ये जब है ना क्या करता था, ये जब हमारे साथ होता था ना, तो इतना मॉरली सेंसिटिव और इतना कॉन्शियस होता था इसके अंदर कि जब समझो हम लोग उस एरिया में कहीं पे होटल में मजे कर रहे हैं, तो अचानक इसका ना मम्मी का या फिर डैडी का या सिस्टर का फोन आएगा, हेलो हाँ किधर है तू? तो ये बोलेगा हाँ मैं यहाँ पे दोस्त के साथ हूँ, हाँ मैं होटल में हूँ, बाद में लेके आता हूँ ना, अभी चाहिए क्या? नहीं नहीं बाद में, अच्छा अभी चलो ठीक है। तो ना पार्टी छोड़ के चला जाता था और उसको घर जाके जो भी सामान पहुंचा के फिर वापस आता था या फिर कभी कभी नहीं आता था। तो आप सोचते यार मना नहीं कर पाता ये तो, और घर वाले उसका एडवांटेज लेते थे क्योंकि ये सेंसिटिव है बहुत मॉरली, मना नहीं कर सकता, सही करेगा। तो हर बार ऐसे करता था, अपनी चीजें पीछे रख के, अपनी एंजॉयमेंट पीछे रख के उनके लिए करेगा करेगा, लेकिन एक बार ऐसे हो जाता ना कि उसका, लेकिन ये लिमिट क्रॉस हो गया, ये खुशी से नहीं, ये तड़फड़ा के अरे यार मैं आता हूं यार। हाँ ये घर वाले भी यार एक है ना इसको फिर है ना इतना करने के बावजूद भी सामने वाला जब वो जस्टिफाइड बिहेवियर नहीं होता ना, एक जनरलिटी में ना एपिलेप्सी का रूब्रिक है इसमें, जिसमें अक्यूज्ड करके अनड्यू अक्यूज जब होता है ना उसका अनड्यू, जैसे स्कूल में ना बंदे ने होमवर्क किया है लेकिन उसका ना नोटबुक भूल गया हो या फिर नोटबुक मिल नहीं रहा है और टीचर ने उसको पनिश किया, मतलब इसने तो क्या किया है ना होमवर्क यार, तो उसको वो और सबके सामने एम्बेरेस कर दिया जाता है। हाँ, सबके सामने ना उसको सहन नहीं होता क्योंकि वो अपनी इमेज बचाते हुए जिंदगी भर चलता है, मतलब छोटा बच्चा भी ऐसे चलता है, सबके सामने ऐसा नहीं होना चाहिए, चलता है इमेज के लिए सारी चीजें, पैसा मटेरियल कुछ नहीं। हद तक उसका गुस्सा जाता है कि वो कन्वर्जेंस में जाता है, इतना गुस्सा कभी कभी रूब्रिक्स में है कि इतना गुस्सा कि सप्रेस करने के बाद में पैरालिसिस तक आ जाता है उसको। पैरालिसिस अभी एक इस पैरालिसिस को थोड़ा सा ठीक से समझते हैं, जब गुस्सा आता है स्टेफी सेग्रिया को, मतलब अगर आप सबको अनुभव देना है कि स्टेफी सेग्रिया कैसे गुस्सा ये करता है, तो आपके सबके घर पे लेडीज काफी सारी है जो ये वीडियो देख रही है, तो आपके सबके घर पे काम वाली भाई आती है ना, काम वाली भाई आती है, काम कर रही है और आपके घर पे अगर चलो कुछ पूजा है, बड़ा त्योहार है, बहुत लोग आने वाले, और उसी दिन बराबर आपके काम वाली भाई बोलती है मैं दो दिन नहीं आऊंगी, उसको बोलने का तरीका भी ऐसा होता है, वो पूछेगी नहीं कभी, हाँ वो तो दिन छुट्टी मिलेगी क्या मैडम जी, वो बोली मैं दो दिन नहीं आने वाली, ऐसा गुस्सा चढ़ता है तुमको, ऐसा गुस्सा चढ़ता है तुमको कि अरे अभी मेरे घर पे तो तुम कैसे करते हो, तो तुम कैसे जवाब देते हो, कभी सोचा है, कभी गौर किया है कैसे करते हो? रूब्रिक जरा आलोक देखना, क्वारलसम एंगर विदाउट, है ना, क्वारलसम एंगर विदाउट, मतलब उसको गुस्सा, जैसे आपको भी गुस्सा बहुत आता है, 2% की काम वाली और मुझे ऐसे बता रही है कि मैं 2 दिन नहीं आने वाली, तो ऐसे गुस्सा चढ़ता है और फिर आप बोलते अरे अरे कमला तुम्हें
अरे ऐसे कैसे कर सकते हो, अभी अभी घर पे थोड़ा आने वाले, अरे ऐसे मत करो। अंदर से गुस्सा तो ऐसा आया है कि दो खींच कर लाफा मारो, लेकिन कर नहीं सकते, कर नहीं सकते। क्वारल करेगी एंगर विदाउट, हंसी छूट जाएगी, क्योंकि अगर इसको गुस्सा कर दिया, इसको दो गाली मार दिया या तो एक झपट मार दिया, कल से काम पे आना बंद हो जाएगी। अरे भैया काम वाली बाई मिलती नहीं है भैया, सबसे बड़ी सबसे इम्पोर्टेंट, मैं तो मेरी मतलब हमारे घर पे बोलता हूँ कि अगर सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कोई है तो वो काम वाली बाई है। मैं बीवी को भी बोलता हूँ, जितना प्यार से तुम मुझसे बात करती हो, मुझसे भी बात नहीं करती यार। मैं बोलते ये कैसे ऐसे करके रखा है, ठीक से रखो इसको, ऐसे मुझे बोलती है। और वो काम वाली बाई है, अरे संजू ये ऐसे कैसे घसती हो यार, थोड़ा ठीक से घसा करो। बोला उससे तो बड़े प्यार से बात कर दिया। बोला अरे यार ज्यादा जोर से चिल्ला दिया, कल से आना बंद हो जाएगी तो करूंगी क्या। तो एक रूबरिक है फियर टू लूज हिज ल्यूक्रेटिव जॉब, स्टेफी सेग्रिया का। स्टेफी सेग्रिया इसीलिए कई बार अपना गुस्सा पी जाता है, बॉस को भी कुछ बोल नहीं पाता, सीनियर्स को कुछ नहीं बोल पाता, जॉब चली जाएगी, प्रमोशन रुक जाएगा। और उसका एम्बिशन यही होता है कि उसको 5 साल के बाद वीपी बनना है, प्रेसिडेंट बनना है, जो भी उच्च पोजीशन पे जाना है, जहां से लोग उसको रिस्पेक्ट कर सके और ज्यादा। और अगर उसमें रुकावट आ जाएगी तो ये गुस्सा पी पी के ऐसे जैसे हो सकता है मेड हो, या फिर बंदा जो जॉब कर रहा है वो सीनियर के सामने गुस्सा नहीं निकाल पाता। तो ये एक तरीका होता है। और कभी स्टेफी सेग्रिया आपके सामने बोला कि गुस्सा आ गया लेकिन दबा दिए, तो पूछ लीजिए अंदर उबलता है। बोला हाँ सर। बोला कितनी देर उबलता है? चलता है सर 2-3 दिन तो चलता है। तो अगर ये ऐसे कुछ सुनाई देता है तो आपके दिमाग में स्टेफी सेग्रिया जरूर आनी चाहिए, बाकी की चीजें जरूर मैच करो और फिर उसे आप स्टेफी सेग्रिया के बारे में तरीके से सोच के स्टेफी सेग्रिया सोच सकते हो, स्टेफी सेग्रिया एक रेमेडी उसकी हो सकती है। गुस्से की हद बहुत बाद में इतना हद तक क्रॉस हो जाती है कि वो जो चीजें ये पत्थर उठाया ना ऐसे यहाँ पे क्रश करने की कोशिश कर रही है या कर रहा है, अंत में जाकर के वो पत्थर उसके ऊपर मार भी सकता है जिसने उसको ऑफेंड किया, जिसने उसको किया। लेकिन ये एक जर्नी है, शुरुआत में ऐसा नहीं दिख सकता, उसका सैचुरेशन लेवल बहुत हाई होता है उसकी, जैसे इग्निशन एंटरप्रेन्योर और सीपीआर का होता है कि वो चीज को बर्दाश्त करते रहते हैं करते रहते हैं। तो ये इंडिग्नेशन को बर्दाश्त करता रहता है आफ्टर क्वाइट अ वाइल, काफी दिनों बाद जब ये चीज बढ़ती रहती, तब एक तो शुरुआत में तो चीजें फेंकेगा इधर उधर गुस्से में, बाद में उसके ऊपर भी मारेगा जिसने उसको ऑफेंड किया। अब ये चीज है ना इग्निशा के काफी पास में आ जाती है, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे अरे इग्निशा क्यों नहीं है। एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपन बाकी के रेमेडीज से उसको डिफरेंशिएट करेंगे, इग्निशा है, नेट्रोमोर है, इनसे डिफरेंशिएशन के लिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। ठीक है, अभी के लिए तकरीबन मोटा मोटी स्टेफी सेग्रिया का मेन चीज समझ में आ गया, ओके ओके। यहाँ मैं पीछे झील है और ये हमारी स्टेफी सेग्रिया हो रही है। फिर आ गए स्टेफी सेग्रिया लेके, फिर आ गए, फिर ले आया हूँ दिल, क्या है वो गाना नहीं आ रहा है। चलो स्टेप सही रहे कि अब डिफरेंशिएशन देखते हैं, जो रेमेडीज इसके नजदीक आती है। yes. प्लेटिना शायद हमने काफी हद तक कर दिया है, प्लेटिना के पास में उतनी रिसोर्सेज होती है और प्लेटिना के पास वो क्लास, और उसके लिए प्लीज वो प्लेटिना का वीडियो देख लीजिए 3 Iceman का। बहुत अच्छा एक्टिंग किए हैं। हाँ वो आलोक सर उसमें बहुत बढ़िया एक्टिंग किए हैं, थोड़ा प्लेटिना दूसरों को नीचा करता है। हाँ। स्टाफिस ऐसे नीचा नहीं करता, समझता है लेकिन वो दिखाता नहीं है, कर नहीं सकता कॉन्शियस की वजह से, मॉरल की वजह से कर नहीं सकता। कुल मिला के जैसे हम लोग बोलते हैं कि दिस इज वन ऑफ दिस कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ सेंसिटिव रेमेडीज। मतलब अगर रस्ते पे कहीं पर एक्सीडेंट हो गया ना कहीं पे, तो जो लोग रुकते हैं और उनको हेल्प करते ना, जो एक्सीडेंट होते हैं वहां पे जाके अपना टाइम बर्बाद करके जाके रुकते हैं, हेल्प करते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं ना वो कॉन्शियस होते हैं। तो ये स्टाफी सेग्रिया उस कैटेगरी में होती है, कुछ तो समाज के लिए करना चाहते हैं वो, अच्छा करना चाहते हैं। तो ये हो गया स्टाफी सेग्रिया, प्लेटिना की डिफरेंशिएशन आपको पता चल गई कि प्लेटिना तो मतलब वो डिग्निटी की वजह से या तो फिर उसकी डिग्निटी और इसकी सुपीरियरिटी शायद साथ में लगे, लेकिन उतना तीखा नहीं होता स्टेफी सेग्रिया, बेचारा मीठा होता है। ठीक है, अब
उसके बाद में आएंगे नेट्रमूर की तरफ। नेट्रमूर भी डिग्निफाइड है, लेकिन नेट्रमूर डिग्निफाइड है, स्टेफिसेग्रे डिग्निफाइड है। अब जब कहीं पर उसको ठेस लग जाती है, अब उस ठेस लगने के बाद उस ठेस को रिएक्शन या अडेप्टेशन या उसकी थिंकिंग उसके बारे में जो है, इसमें फर्क है नेट्रमूर और स्टेफिसेग्रे में। ठीक है, अब स्टेफिसेग्रे जितना अपन ने पहले हमने पहली वीडियो में देखा था कि स्टेफिसेग्रिया गुस्सा हो जाएगा, छटपटाएगा, हंसी छूट जाएगी, अरे ऐसे ऐसे मत किया कर यार, तू यार बड़ा कुछ भी बोल देता है यार, तू जरा जो समझ के बोला कर यार, ऐसा मत। लेकिन अंदर ऐसा गुस्सा घर जाएगा, दो चार मोबाइल तोड़ेगा, एक हाथ घड़ी फोड़ देगा, तब जाके उसको और छटपटाते रहेगा, ऐसा बोल कैसे दिया वो। ये है मुझे ये हो गया स्टेफिसेग्रिया का रिएक्शन। अब नेट्रमूर का रिएक्शन कैसे होगा? नेट्रमूर इस वक्त में होता ही है कि इसने बोल दिया, इसने दुखा दिया, तो वो कहीं पर नहीं आएगा, अंदर उसके कहीं पर एक चीज टूट जाएगी और बस उसके बाद उसके रास्ते या तो उस आदमी के पास फिर जाना नहीं, संबंध विच्छेद खत्म। क्या नेट्रमूर का ये बहुत बड़ा एक एडेप्टेशन होता है, जिसने उसकी इंसल्ट करी है, जिसने उसको इंडिग्नेट किया है, उसके पास वो जाना नहीं चाहेगा, उससे बात नहीं करता है। अक्सर ऐसा बहू या सास होती है, मैं तो उनके घर जाना ही बंद कर दिया, मैं तो उनसे बात ही नहीं करती। ये नेट्रमूर की खासियत है, एक एडेप्टेशन। दूसरा एडेप्टेशन, अगर फिर भी उस तरफ से इंडिग्नेशन हो रहा है, लगातार बना हुआ है, तो नेट्रमूर के अंदर इतनी घृणा आ जाती है कि फिर वो रिवेंजफुल मोड में जाती है। हो सकता है उसके दिमाग में फिर वो चलता है कि मैं इससे किस तरीके से बदला लूंगा, किस तरीके से इसने मेरी इंसल्ट करी, मैं भी उस तरीके से इसको दिखाऊंगी, बेइज्जत करूंगी। नेट्रमूर में दूसरा एडेप्टेशन और भी है? नहीं और है, बताना। नेट्रमूर में क्या होता है ना, उसको अपनी खुद के बारे में ना सेल्फिश होता है नेट्रमूर थोड़ा सा। एब्सोल्यूट। और ये थोड़ा सा अपोजिट होता है स्टेफिसेग्रिया, मतलब नेट्रमूर के इसमें फीलिंग आएगी कि वो जो भी सारी चीजें चल रही है वो खुद के डिग्निटी के लिए चल रही है, खुद की चीजों के लिए चल रही है। बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा सेल्फिश एक आपको ना ऐसा फील होगा कि ये बंदा अपने बारे में बहुत सोच रहा है। और स्टेफिसेग्रिया जैसा होता है ना, स्टेफिसेग्रिया ना सही गलत जैसे इग्निशिया का है, सही गलत के बारे में सोच रहा है, मतलब मेरा नुकसान हो जाए चलेगा मेरा। और जैसे कि देखो कंफ्यूजन काफी बार होता है, नेट्रमूर ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में है और स्टेफिसेग्रिया रीजन पावर इंक्रीज में है। तो स्टेफिसेग्रिया सही गलत के बारे में बहुत रीजनिंग करता है कि ये गलत है, समाज में ये गलत हो रहा है, ऑफिस में ये गलत हो रहा है, मेरे साथ ये गलत हो रहा है, सही गलत होता है। नेट्रमूर में क्या होता है ना, मुझे ये नहीं मिल रहा है रिस्पेक्ट, नहीं मिल रहा, मुझे ये नहीं मिल रहा है, मुझे कम कर रहे हैं, मुझे जो मिलना चाहिए रिस्पेक्ट वो नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे ना फोकस वहां पे चला जाता है। नेट्रमूर मॉरल फीलिंग वांट ऑफ में है, स्टेफिसेग्रिया मॉरल फीलिंग सेंसिटिव में है, केयर्स अदर्स फॉर में स्टेफिसेग्रिया है। नेट्रमूर केयर वर्सेस का कोई लेना देना नहीं, मेरा रुतबा मेरा सम्मान वही उसके लिए जान और प्राण है, शान उसकी प्राण है। यस। और क्लिनिकली और एक चीज, अगर आप कंफ्यूज फिर भी होते हैं तो नेट्रमूर में क्या होता है ना, आप है ना डीडी करने के लिए थोड़ा सा पूछ सकते हैं। स्टेफिसेग्रिया क्या करता है कि चीजों को गुस्से में, झगड़े में, और वो जो वहां का एनवायरमेंट होता है उसको स्पॉइल नहीं करना चाहता है, इसलिए ना काफी बार पीछे हट जाता है। बिल्कुल। स्टेफिसेग्रिया नेट्रमूर कभी पीछे हटता नहीं, नेट्रमूर बहुत ही फास्टिडियस, बहुत ही प्रॉपर होता है, अपनी चीजें जैसा वो सोचता है वैसा ही होना चाहिए, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। और स्टेफिसेग्रिया हमेशा कॉम्प्रोमाइज करके, हमेशा कॉम्प्रोमाइज करके, तो वो एक आपको केस में दिखेगा कहीं ना कहीं पीछे हटता हुआ, गुस्से से चढ़फड़ा के कॉम्प्रोमाइज करेगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज कर देता है। और के बाद में जो स्टेफिसेग्रिया की एम्बिशन है, जो उसका बेसिक ड्राइविंग फोर्स है, वो स्टेफिसेग्रिया के पास में रहता है हमेशा, वो भी स्पेसिफिकली फेम के लिए। नेट्रमूर भी एम्बिशन में है शायद, लेकिन स्टेफिसेग्रिया का मेन एम फेम है,
और नेट्रम्यूर सिर्फ अपनी डिग्निटी के लिए एक एम्बिशन होगा, वो भी कोई खास पावरफुल एम्बिशन नेट्रम्यूर का नहीं होता है, क्लिनिकली हम लोग को अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला, लेकिन स्टेफिस अगर का एम्बिशन उसके लिए काम करता रहता है, बहुत मेहनत करता है। जैसे हम समझते हैं कि स्ट्रैमोनियम डर के बगैर स्ट्रैमोनियम देखना जरा मुश्किल है, वैसे ही एम्बिशन के बगैर बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ एक होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, एक कहीं ना कहीं पहुंचना होता है एक एक लेवल पे जहां से सब लोग उसको बोले अरे क्या क्या मैं क्या किया यार। एंड इट इज सो ऑब्वियस कि 7-8 साल के बच्चे में भी पूछो तो दिखता है क्या बनना है, कलेक्टर बनना है। शायद कलेक्टर उसको पता नहीं है, लेकिन उसको ये पता है कि कलेक्टर का सम्मान बहुत होता है, गाड़ी आती पीछे दो दो गाड़ी चलती रहती है, मतलब ये पता है। मैं भी बच्चा था तो पिताजी के साथ में जाता था, पिताजी चलते थे रास्ते पे तो सब लोग नौ से डॉक्टर कोई सिगरेट फूंक रहा होता है, जैसे मेरे पिताजी आते हैं तो जैसे सिगरेट छुपा के नमस्ते डॉक्टर, टिपिकल नमस्ते के लिए। ऐसे ऐसे पप्पा चलते थे और मैं देखता था यार क्या शान है यार, मतलब अपन भी डॉक्टर बनेगा, अपनी भी ऐसी शान होनी चाहिए, चलते रहेंगे नमस्ते नमस्ते क्या पप्पू नहीं नहीं अंकल सही। मैं ऐसे देख के मैं बोला तभी से तय कर लिया डॉक्टर बनूंगा, लेकिन मेरी रेमेडी स्टेपी सही नहीं है, मैं उसी रूब्रिक में का दूसरा बंदा हूँ, एम्बिशन फेल फॉर्म में लेकेसिस है, तो इसीलिए लेकेसिस मैं तभी से सोच लिया नहीं यार अपन भी ऐसे डॉक्टर बनेंगे। और ये इसी ना जद्दोजहद में क्या होता है, वो ये चीज कर नहीं पाता या फिर वहां पे उसको फेलियर आते है, मतलब उसको बहुत बड़ा नाम कमाना है और मिलता क्या है बदले में इंसल्ट मॉडिफिकेशन शर्मिंदगी एम्बेरसमेंट। तो ये जब ऐसा होता है ना तो ये बंदा पूरी तरह से ना सैड हो जाता है, पूरी तरह दब्ड मॉडिफिकेशन मतलब सड़ जाता है बोलते ना, ऐसा है ना पूरी तरह सारी चीजें भूल जाएगा, जैसे कि इसका पूरा जिंदगी बर्बाद हो गई। और आप अगर लिटरली देखेंगे ना तो उसकी लाइफ में सारी चीजें सही है, मतलब सैलरी भी उतनी आ रही है, पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, रिलेशन में सब कुछ अच्छा है, तो बुरा क्या हुआ है, किसी के सामने किसी ने इंसल्ट कर दी, मतलब ऐसी चीज जिसका लिटरली मायने नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल, रोटी कपड़ा और मकान सब तो है बेटा, और क्या चाहिए, लेकिन फिर भी ये पूरी तरह डिप्रेशन में चला जाएगा। ना बोल रहा है रोटी भी है कपड़ा मकान भी है, बस हो गया भैया और क्या चाहिए। तो ये देखिए ना आदमी किस तरीके से बीमार पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो पर्टिकुलर सेंसिटिविटी उसके अंदर खुद होती है। एनवायरमेंट तो एक मीडियम है ना, ऐसा हर एक केस में नहीं है, लेकिन 80-90% केसेस में ऐसा होता है कि हम उस सेंसिटिविटी को लेकर के अंदर चल रहे होते हैं और एनवायरमेंट से एक छोटा सा भी स्टिमुलस आता है तो वो मुझे, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम स्टेफिस अगेरा तो मुझे ज्यादा हर्ट करेगा, इसको कम करेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला अरे थ्री नाइस मैन की वीडियो बकवास है, अगर मैं स्टेफिस अगेरा हूं, अरे यार से बोल दिया यार, कैसे बोल दिया, मतलब मेरा वो पूरा दिन गया, मेरा पूरा हफ्ता गया, मैं उसी के बारे में सोचता रहूंगा किसने बोला यार ऐसा क्यों बोला यार, है ना। और इसके ऊपर बंदर का दाने अदरक का स्वाद सही है ये बोल करके झाड़ दिया, लेकिन मैं झाड़ ही नहीं पा रहा हूँ मेरे दिमाग, क्योंकि मेरे अंदर वो सेंसिटिविटी है। तो अक्सर हम लोग जो बीमार पड़ते हैं वो सेंसिटिविटी लेके हम लोग जी रहे होते हैं, और उसी सेंसिटिविटी पे जब एक छोटा सा भी रिएक्शन जिसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं वो हम लेके बैठते हैं, वहां से हमारी डिजीज की जर्नी चालू होती है। अभी तीसरी रेमेडी जो बहुत बहुत नजदीक आती है, काफी हद तक आपको दिखेगी, और वो है इग्निशिया, है ना। इग्निशिया बहुत काफी बार कंफ्यूजन होता है, इग्निशिया सारी ना जो, क्योंकि देखो सेंसिटिव मॉडल में है, इनजस्टिस में भी है, कॉन्शियस में भी है, तो ये सारी चीजें इंडिग्नेशन में है, तो सब कुछ है, लेकिन एक चीज उसमें ना नहीं है इग्निशिया में। क्या होता है ना इग्निशिया हमेशा ना परेशान इसलिए होती है कि उसके जो लव्ड वन होते हैं ना, जो उसके साथ रिलेटेड है, जो उसके जिसके साथ उसको प्यार है या फिर कुछ रिलेशन है, वो लोग उसके साथ जाप्ती करते या जस्ट नहीं होते, या तो फिर वो मॉरली गलत होते हैं। जैसे मतलब सिस्टर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, हस्बैंड है, बच्चे है, जिन्होंने जिस तरीके से मॉरली बिहेव करना चाहिए वैसे नहीं करते। जैसे सिस्टर इन लॉ को ये हेल्प कर रही है तो उसने भी करना चाहिए, ये उसको हेल्प कर रही है, मतलब खुद के नए नए कपड़े जो है वो पहली बार उसको यूज करने दे रही है, और वो सिस्टर इन लॉ क्या करती है, इसकी चुगलियां करती है सासू माँ को और कुछ बताती है, और इसको रिस्पेक्ट ही नहीं करेगी, कहीं जाना है फंक्शन के लिए इसको बताएगी नहीं, तो ये इसको गलत लगता है, मॉरली गलत लगता है, मैंने जो हेल्प किया ना हमेशा
मैं तुझे हर चीज बताती हूँ, तू क्यों नहीं बताती सही गलत सही गलत। अभी ये मॉरल की एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे पास एक केस थी कि उसकी नई शादी हुई, घर में आई तो उसकी ननद मतलब हस्बैंड की बहन, वो वहां पर थी और वो जॉब पे थी और वो थोड़ी सी दिमाग से नहीं बोल सकते, उसका स्वभाव थोड़ा टेढ़ा था। तो वो बस आती थी, काम पे से आती थी, घर पे खाना खाती थी, सोती थी, दूसरे दिन उठ के काम पे चली जाती थी और ये बिचारी सब घर का काम करती थी। तो जब तक ऐसा था तब तक उसको बीमारी नहीं थी, ठीक है, मेरे हस्बैंड की बहन है, मैंने करना है, बराबर। अब हुआ यूं, उसकी शादी हो गई, हस्बैंड की बहन की शादी हुई, शादी होकर वो वहां पर गई, वो शादी 6 महीने भी नहीं चली, वो उधर झगड़ा करके वापस रिटर्न आ गई। अब मायना बदल गया, अब मायना बदल गया, अब वो काम पे से आती है, खाना खाती है और सो जाती है। अब इसको तकलीफ होने लग गई कि ये ऐसे कैसे सो सकती है, अब ये ऐसे कैसे सो सकती है, अब ये इस घर की नहीं है बेटी, ये पराई बेटी है, इसने घर में काम करना चाहिए, कम से कम इसको ये तो होना चाहिए कि ये कर रही है तो कम से कम पूछूं, ये अभी ऐसे कैसे सो सकती है। अब उसको तकलीफ होने लगी, पूरे जॉइंट सूज गए, तकलीफ होने लगी। करेक्ट। अभी जैसे शुरुआत में हम लोगों ने बात किया था कि न्यूली मैरिड गर्ल को यूटीआई जब होता है तो ठीक है ना, फैमिली में आई, गड़बड़ कहाँ पे हुई, सब कुछ नया एनवायरनमेंट, सास ससुर उनका देवर भौजाई जितने लोग थे उसमें से किसी ने उसकी इंसल्ट करी या हस्बैंड ने हनीमून की नाइट को कुछ भी ऐसे बोल दिया, अरे ये रेड कलर का जो पहने ये बेकार ठीक नहीं लग रहा, हटाओ ना इसको, इस तरीके से कुछ बोल दिया, वो गुस्सा उसके मन में आया। और मोस्टली जो यूटीआईज होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन लेडीज स्पेशली, अक्सर ऐसा देखा गया कि वो हस्बैंड के गुस्से की वजह से या हस्बैंड के प्रति गुस्सा या हस्बैंड ने उसकी बेइज्जती करी होती है, हस्बैंड ने उसके ऊपर गुस्सा किया होता है, अक्सर आपको ही मिलेगा, वो वहां से यूटीआई की शुरुआत हो गई उसकी। इसीलिए हनीमून के टाइम का जो सिस्टाइटिस है वो स्टेफिसेगेरिया में होता है। अभी आपको कोरिलेट हो रहा है, मतलब साइकोडायनामिकली देखा जाए आप तो वो तरीका होता है हस्बैंड को दूर रखने का, गलती की है ना चल, ठीक है ना, यूटीआई बॉडी कुछ बता रही है। आप ऑर्गन में बताया जाता था कि लैंग्वेज ऑफ वाइटल फोर्स, तो वाइटल फोर्स का लैंग्वेज देखो बता रहा है कि भैया दूर रहे। अरे वेजिनाइटिस फंगल इन्फेक्शन हो गया तो पास कैसे आएगा, बिल्कुल। एक ऐसी लेडी थी, शी हैड बॉइल्स इन हर वजाइना, बाप रे। तो इमीडिएटली मैंने प्रश्न किया कि आपका हस्बैंड के साथ कैसा है, ठीक है सर मतलब ठीक नहीं, कुछ है। करने की जरूरत नहीं है, आई विल नॉट अलाउ यू टू टच मी, फैंटास्टिक है ना। और अगर जोर जबरदस्ती की तो बताएंगे यार ऐसा हुआ, अच्छा ठीक है छोड़ दो। अभी न्यूली मैरिड गर्ल आती है, उसकी सास स्टेफिसेगेरिया कैसे बनेगी तुरंत, मतलब न्यूली क्या कहेंगे, न्यूली बिकम सास न्यूली बिकम सास को डिसूरिया या यूटीआई कैसे हो गया, ये आई और ये थोड़ी सी प्लेटिना टाइप, एनवायरमेंट तो कोई भी आ सकता है ना घर पे, जरूरी थोड़ा ना कि सब पल्सेटिल है, माइल्ड स्टेफिसेगेरिया ही हो। ये आई प्लेटिना टाइप और उसने आते ही आते घर पे घर का जो अधिकार होता है चाबी का या किचन का, जहां से लेडीज में ये सारी सत्ता की दौड़ जो सत्ता किचन से चालू होती है, वहां पे दूसरे दिन से, अरे मैं चाय बनाती हूँ ना, आप रहने दो मैं चाय बनाती हूँ, इसी में उसका हो गया। बोल रही कि आप जो चाय बनाते हो बड़ी फीकी बनाते हो, वो नहीं चाहिए, मैं अच्छी बनाती हूँ, ठहर बैठो, ठीक है ना। तो ये प्लेटिना ने कर दिया। अब वो बिचारी मोरली सेंसिटिव, अपने आप को ऊंचा रखने वाली कि मैं यहाँ की एक तरीके से ये मेरा साम्राज्य है और मेरी यहाँ पे बनती है, मेरी बात यहाँ पर सब लोग सुनते हैं, और कल की लड़की आई और उसने मेरा पोजीशन उठा के यहाँ से अर्श से उठा करके फर्श पे कर दिया, करेक्ट ना। वो बन गई न्यूली न्यू पेशेंट ऑफ स्टेफिसेगेरिया उस घर में। तो अगर इन सर्कमस्टेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से ह्यूमन साइकी काम करती है, तो हमको समझ में आएगा कि न्यूली वेडेड गर्ल इज नॉट ओनली स्टेफिसेगेरिया, उसके साथ की जो दूसरा जो पार्टनर है वो भी स्टेफिसेगेरिया, हस्बैंड स्टेफिसेगेरिया हो सकता है, बिल्कुल,
बिल्कुल हस्बैंड भी हो जाता है। लड़की आई प्लैटिना टाइप में, मर्कसॉल टाइप में, बोल दिया अरे क्या है ये, मतलब कैसे दिख रहे हो, ये अच्छे कपड़े पहनो ना, ठीक नहीं, अरे उसी में ही बेचारा हो गया, हो गया काम उसका। लोग अरे वहां पर कमिश्नर हूं मैं, ऑफिस में लोग सलाम मारते हैं और बीवी बोलते अबे तुम क्या बूंदों की तरह दिख रहे हो। बिल्कुल हो गया, ज्यादा चश्मा पहने तो ये, हाँ बोलो बोलो। स्टेफी सेवेरा के लिए ना ये चीजें जैसे है, तो हम लोग बात कर रहे थे इग्नेशिया स्टेफी सेवेरा की, तो इग्नेशिया में ये चीजें काफी बार क्या होता है ना, एक सर्कल होता है डोमेस्टिक सर्कल जो उसके लॉकडाउन होते हैं, वहां से उनको उसको हर्ट होते रहता है, उसके बाहर जाता नहीं है। इग्निशिया को ऊंचाई तक नहीं जाना होता है, एम्बिशन नहीं होते की इतनी होती है, मतलब इग्निशिया हमेशा फैमिली के लिए, लव्ड वन के लिए अपने एम्बिशन की कुर्बानी देते रहता है, दे सकता है। स्टेफी सेवेरा दिल के खिलाफ, मतलब अपने मन के खिलाफ कभी कभी कुर्बानी देता है, लेकिन वो चाहता हमेशा ही है उस सर्कल से बाहर दुनिया होती है स्टेफी सेवेरा की। काफी बार इसको हमेशा एज अ रूल ना ले, जैसे गुप्ता सर ने काफी बढ़िया बढ़िया केसेस बताए जहां पे फैमिली में सपोज कोई लेडी जॉब ही नहीं कर रही है तो भी स्टेफी सेवेरा हो सकती है, लेकिन जनरली ऐसे देखा जाता है मैक्सिमम केसेस में स्टेफी सेवेरा है तो उसका एम्बिशन होता है फेमस होने का और कुछ कर गुजरने का, कुछ करना है, बड़े लेवल पे जाना है। तो मैं हमेशा ना कंफर्मेटरी टेस्ट जो होता है ना उसके लिए हमेशा ना बच्चों को या किसी को भी जॉब जो कर रहे हैं उनको पूछता हूँ कि क्या करना चाहते हो लाइफ में, लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, तो बोलेगा सर लॉन्ग टर्म क्या है ना सर, 4-5 साल के बाद वही है सर, प्रोग्रेस करना है जॉब में। जॉब में प्रोग्रेस करना है मतलब क्या, मतलब सर ऐसे ही थोड़ा सा, मतलब डायरेक्टर लेवल पे तो जाना ही चाहिए ना अगर 5-6 साल में, या फिर बहुत सारे स्टाफ अगर ऐसे वैसे बताएंगे कि सर मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकता, ये बहुत जरूरी होता है सर, क्या है ना अभी तो कर रहा हूँ लेकिन सर 5-6-7-8 साल बस, उसके बाद नहीं, उसके बाद अपना बिजनेस करना है, कुछ भी हो जाए अपना खुद का बिजनेस करना है। ये स्टाफी सागर के बहुत सारे केसेस में आप देखेंगे कि उसका ये एम्बिशन होता है खुद करना है और खुद को बड़ा होना है, खुद का नाम कमाना है। तो ये आप सिटी में हमेशा पूछो, तो मैं उसके आगे भी पूछता हूँ, अच्छा मैं जानता हूँ क्या कहाँ जा रहा है, फिर भी मैं उसको पूछता हूँ, अच्छा खुद का बिजनेस करना है मतलब बहुत पैसे कमाने हैं तेरे को, बहुत पैसे कमाने हैं, नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, पैसा नहीं मिलेगा ना सर चलेगा, लेकिन वो क्या ना वो होता है ना मतलब मेरे को खुद का डिजाइन बनाना है, ऐसा प्रोडक्ट ना जो सब लोग यूज कर पाए, तो वो सब लोग मतलब ये चाहिए इसको, इसको पैसा नहीं चाहिए। अच्छा कई बार एक बहुत टिपिकल क्लिनिकल एग्जांपल है, नई लड़की आती है घर पे, हाईली एजुकेटेड, बहुत ही कॉम्पिटेंट, बिल्कुल, हस्बैंड और सास और ससुर ने डिसाइड किया भाई तुम जॉब मत करो, ये कई घरों की कहानी है, ये अंदर चल रहा है, ये चल अंदर चल रहा है, खूब है ये कशमकश अंगुली की नहीं अंदर की है, अंदर कॉन्शियंस विल के लेवल पे कॉन्ट्रडिक्शन चालू हो गया, क्योंकि मुझे तो आगे बढ़ना है लाइफ में, मतलब प्रोफेशनली, घर का जो है वो तो ठीक है, केयर भी करेगी, खाना भी बनाएगी, मोरल है ना, नमस्कार पैर भी छुएगी, लेकिन वो जो आग है अंदर वो जलती रहेगी। बच्चा हो गया ना, बच्चा होने के बाद में आपके पास में पेशेंट बन के आई क्योंकि बहुत दिनों से गुस्से को दबा रही है, उसकी इच्छा को उसने दबाया है, आपके सामने आई यूटीआई लेकर के या जो भी प्रॉब्लम लेकर के, आपने पूछा जैसे अभी कृष्णा ने क्वेश्चन आर किया, तो वो आपको डेफिनेटली बताएगी सर बच्चा जैसे ही 10 साल का 12 साल का हो जाएगा मैं वापस जॉब पर जाऊंगी, और इसके लिए मैंने हस्बैंड को भी कन्विंस कर लिया है, आई हैव मेड श्योर दैट आई गो एंड वर्क्स। सर इतना सारा जो पढ़ाई करी है ये शुरुआत से ही मेरे मन में था कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये प्रोजेक्ट अपने आप को दे करके हेड करना है, आई टू हेड दिस प्रोजेक्ट, और वो सर मैं करूँगी, ये मेरी पूरी इच्छा। तो ये चीज़ें आपको दिखेंगी, आई सपोज काफ़ी सारा स्ट्रक्चर क्रिया हो गया, डिफरेंशिएशन भी हो गए, और आसान है आपको आसानी से पकड़ में आ जाएगा स्टाफी सेवेरा, डिफिकल्ट नहीं है ये, कुछ चीजें आप अगर अच्छी तरह से पकड़ते हो तो हमारे समाज में स्टाफी सेवेरा अच्छी बात है कि स्टाफी सेवेरा जैसे लोग बहुत है। ठीक है, तो ये स्टाफी सेवेरा आप जितना हमने बताया है आप क्लिनिक में यूज करिए, आपको उसमें क्या रिजल्ट आते हैं जरूर कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आपके जितने होम्योपैथ लोग हैं, होम्योपैथ दोस्त हैं, उन्हें बताइए कि ये ऐसी होम्योपैथी खूबसूरत है, आसान है, आनंदमय है, मजा आता है, तो ऐसे मजा लेके होम्योपैथी करिए कि अरे वहां पर होम्योपैथी करनी यार बहुत पढ़ाई करनी पड़ी, ऐसे नहीं यार, आनंद लो तो कोई चीज मुश्किल नहीं है, फिर मजा आता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हम है, हम है, ये पीछे पहाड़ है, पहाड़
और हमारी स्टेप तैयारियां हो गई। पार्टी हो रही है।